बोली बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं? नहीं नहीं। हंस उठो, हंस प्लीज उठो। ओवल, थोड़ी देर और सोने दो ना। हंस उठो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ओवल, तुम्हें इतनी सुबह सुबह क्या जरूरी बात करनी है? बोलो। हंस, मैं सोच रही हूँ मैं एक बार गोली के रूम में जाके आऊँ। कोमल, उस बिचारी को इतना जल्दी क्यों उठा रही हो? उसे तो सोने दो। अरे हंस, मैं उसे उठाने के लिए नहीं जा रही हूँ, तो चेक करने जा रही हूँ कि वो अपने रूम में है या नहीं। तुम भी ना कोमल, वो इस वक्त अपने कमरे में ही होगा ना। तुम खामखा उस पर शक कर रही हो। मुझे लगता है गोली हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे लगता है वो कल रात को कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी बोल रही हो तुम। अरे हंस, मुझे तो ये भी लग रहा है कि वो उससे पहले भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो कुछ गिरने की आवाज हुई ना तो वो डर के अपने रूम में भाग गया। मैं जब उसके रूम में गया था तो मैंने देखा वो सोया हुआ था। सोया था या शायद बचने के लिए सोने का नाटक कर रहा था? अब ये कैसे पता चलेगा? उसके रूम में जाके चेक करेंगे ना तो पता चलेगा। सही बात है, चलो चेक करते हैं। चलो। देखा देखा हंस, गोली अपने रूम में नहीं है। कोमल, हो सकता है कि वो बाथरूम में हो। रुको, मैं चेक करता हूँ। गोली, गोली बेटा। हंस, वो नहीं है, वरना वो आवाज नहीं देता। सही बात है, इसका मतलब तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। गोली रात से ही गायब है। और गोली रात से गायब क्यों है? कहाँ गया होगा गोली? हंस, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कोमल, टेंशन तो मुझे भी हो रही है। एक काम करते हैं, उसे फोन करते हैं। हाँ। चलो। रे बाप रे, सुबह हो गई पॉम-पॉम, सुबह हो गई। पॉम-पॉम को सुलाते सुलाते यहीं सो गया। सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है? पापा। लगता है पापा को पता चल गया कि मैं घर पे नहीं हूँ। अरे यार, मैं क्या बोलूंगा मम्मी पापा को? सब तुम्हारे वजह से हुआ पॉम-पॉम, ऑल बिकॉज ऑफ यू। तुम्हें कंपनी देने के चक्कर में मैं फंस गया ना। क्या बोलूंगा अभी मैं मम्मी पापा को? बोलो। वो क्या बोलेगी? चलो मैं घर जाता हूँ फटाफट, लेकिन उसके पहले तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। ओके, चलो चलो पॉम-पॉम, रेडी टू गो। ऐ नो, चलो कमरे में ही जाना है सीधा। ओके चलो, चलो पॉम-पॉम ये। ओके एक मिनट, चलो गेट बैक टू योर रूम। चलो देखो पॉम-पॉम, बाहर बहुत खतरा है, तुम मोस्ट वांटेड हो बाहर, पता है ना? इसलिए बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना मेहरबानी करके। मैं तो पकड़ा ही गया हूँ, लेकिन तुम बाहर निकलोगी ना तुम भी पकड़ी जाओगी। उससे अच्छा अंदर ही रहना, ठीक है? ओके ठीक है, चलो बाय बाय बाय। क्या हुआ हंस, उसने फोन उठाया? नहीं कोमल, वो फोन नहीं उठा रहा है। गॉड, कहाँ गया होगा मेरे बेबी? कोमल, वो मुझे थोड़ी बता के गया होगा कि मुझे पता होगा कि वो कहाँ गया है। पॉम-पॉम का खाने का टाइम हो गया है, भूखी होगी। कुछ मुसीबत में तो नहीं फंस गया होगा ना? नहीं नहीं कोमल, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ अब्दुल, जरा यहाँ आओ। हाँ आदि भाई। हाँ आदि भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने गोली को कहीं देखा क्या? नहीं, क्यों? वो कल रात से गायब है। क्या, कहाँ गया है वो? अब्दुल, वही तो नहीं पता, वो तुम्हें कुछ बता के गया है? नहीं। टप्पू को पूछता हूँ, टप्पू को शायद पता होगा। हाँ पूछो पूछो। अरे बेबी, बेबी। गोली बेटा,
रे बाप रे, तो पकड़ा गया। मैं क्या बहाना दूंगा। बोली बेटा। बेबी। बोली, हम कितने टेंशन में थे, तू क्लब हाउस में क्या कर रहा था? हाँ। मैं तो बस इधर क्या बोलू, कहाँ था रात को, पॉम पॉम वाली बात बता दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर किधर बेबी, तुम रात से गायब हो, सच बताओ ऊपर क्लब हाउस में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, जिसकी वजह से रात भर तू क्लब हाउस में था? हंस चलो एक बार चेक करते। अरे मम्मा पापा, क्लब हाउस में कोई गड़बड़ नहीं है, और वैसे भी मैं रात से गायब नहीं था। आपके सामने ही तो मैं कल रात को मेरे कमरे में गया ना। तो तू घर से बाहर कब निकला? अभी सुबह। सुबह? हाँ समझ गया, तू सुबह सुबह तभी उठता है ना जब तुझे भूख लगती है। हाँ सही बात है पापा। अरे वो एक्चुअली क्या हुआ ना पापा, वो कल मैं जब दरवाजा चेक करके कमरे में गया ना, तो मुझे बड़ा ही प्यारा सपना आया। अच्छा? मुझे सपने में ना गरम गरम जलेबी आई। जलेबी? हाँ जलेबी जलेबी। तो इतना प्यारा सपना देखने के बाद जब मैं उठा ना, तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया, मुझे जलेबी खाने जाना ही पड़ा, तो मैं जलेबी खाने गया था। अच्छा, तो क्लब हाउस में जलेबी है? नहीं पापा, क्लब हाउस में जलेबी नहीं है, मैं तो वो बाहर नहीं है वो दुकान, टेस्टी स्वीट्स, टेस्टी स्वीट्स में मैंने जलेबी खाई। अच्छा, पर अभी तो तू क्लब हाउस से बाहर निकला। हाँ, वहां क्या कर रहा था? एक्चुअली मामा पापा क्या हुआ ना, आपको तो पता ही है मुझे जलेबियाँ कितनी पसंद है, तो मैं एक साथ ना बहुत सारी खा गया, बहुत दबा के जलेबी खा ली, तो क्लब हाउस गया था कसरत करने। पूल खेला ना तो कसरत हो गई। वाह वाह कसरत। गोली, पूल खेलने से कैसे कसरत होती है? ये होती है ना पापा, कैसी बात कर रहे हो आप। वो पूल खेलने में क्या है, वो शॉट मारने के लिए कितना झुकना पड़ता है, घड़ी घड़ी झुकना पड़ता है, और वो टेबल से पेट भी तो दबता है, तो कसरत हो जाती है। अच्छा वाह गोली वाह। पर बेबी अगली बार से बता कर जाना। हाँ पता है हमें कितनी टेंशन हो गई थी। और नहीं तो क्या। ओके मम्मा, आई एम सॉरी, सॉरी पापा। तो कैसी रही क्या कसरत? मस्त मस्त। नहीं नहीं कसरत नहीं, जलेबी, वो कैसी रही? हो जलेबी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मस्त ही मस्त। वाह वाह, तो मेरे लिए लाए? हाँ हाँ हाँ, आपके लिए भी पार्सल लिया था। अच्छा तो कहाँ है पार्सल? वो पापा आपको मेरी आदत तो पता है ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो मैं जब पार्सल लेके आ रहा था ना, तो बीच रास्ते में मुझे वापस भूख लग गई, तो मैंने पार्सल वाली सारी जलेबियां खा ली। सॉरी पापा। कोई बात नहीं, अगली बार ले आना। अरे डोंट बी सैड हंस, मैं आज घर में जलेबी बना दूंगी। सच्ची? हाँ। थैंक यू कोमल। वाह 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 पॉम पॉम, तेरे वजह से मुझे जलेबियां खाने मिलेगी। थैंक यू क्यूटी। हेलो बेबी। चलो बेटा चलो, साथ में जलेबी खाते हैं। आज तो बिल्ली को सोसाइटी के बाहर निकाल के रहूंगा, परेशान करके रख दिया है। ए! गेली चलो मैं चलता हूं। बाय बाय पॉम पॉम। ए रे
माले गई कहाँ बिल्ली? क्लब हाउस में देखता हूँ, हो सकता है अभी भी वहीं हो। बोल नहीं सकते, देखता हूँ जाके। अब्दुल, तुम क्लब हाउस में क्या कर रहे थे? मैं? आपने बिल्ली ढूंढने के लिए बोला था ना, वही ढूंढ रहा था। तो मिली? नहीं। अच्छा ठीक है, चल साथ में ढूंढते। अरे भिड़े भाई, यहाँ ढूंढने की क्या जरूरत है? अरे क्या जरूरत है मतलब, कल रात वो क्लब हाउस में ही थी ना, तो हो सकता है उसकी आंख लग गई हो, वो सो रही हो, तो अच्छा मौका उसको ढूंढने का, भगाने का। चलो चलो चलो। अरे बाप रे, पम्पम के बारे में पता चल जाएगा। अरे भिड़े भाई, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्ली नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी मतलब का? अंतर्धान पावली के? अरे मतलब है अदृश्य हो गई, गायब हो गई, जो नहीं दिखेगी। अरे नहीं दिखेगी का मतलब ये है कि बिल्ली भाग गई। भाग गई कब, कैसे? वो थोड़ी देर पहले मैं क्लब हाउस गया था तो मुझे बिल्ली दिखी तो मैंने भगा दिया। कुछ नहीं, भागने का नाटक किया हुआ उसने। मैं कब से अभी नीचे खड़ा हूँ, अगर वो भागती तो मुझे दिखती ना। चल जाके देखते। अरे 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 भाई, वो आपको दिखती कैसे? क्लब हाउस के जो पीछे वाली खिड़की है ना, वहां से भाग गई। तुमने अपनी आंखों से देखा था उसको भागते हुए? अरे भी काई विचार तो है। हाँ तभी तो मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, लेकिन तुमने उसको भगाया कैसे और इतनी आसानी से बिल्ली भागी कैसे? अरे भाई वो बहुत लंबी कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नहीं बाद में क्यों, अभी बताओ ना, मेरे पास टाइम है। अच्छा पूरी कहानी बताऊं? हाँ भाई, तुमने ये काबिल तारीफ काम किया कैसे, मैं पूरा सुनना चाहता हूँ। बोलो बोलो। बताता हूँ, मैं क्लब हाउस पहुंचा तो वहां देखता हूँ तो क्या क्या खिड़की ए? खिड़की के पास बिल्ली आराम से सो रही थी। अच्छा। मैं उसे पकड़ने के लिए धीरे धीरे उसके पास जा रहा था, फिर भी उसे मेरी आहट हुई और वो जाग गई। ओ, फिर मुझे देखते ही बिल्ली घूरते हुए ऐसी खड़ी हुई जैसे वो कराटे करते समय वो गांजे लोग खड़े होते ना, ये गांजे नहीं रे निंजा लोग, वही वही वैसे खड़ी हो गई, अटैक करने के लिए तैयार। ओ, शरीर के सारे बाल खड़े हो गए उसके उसके। म्याऊ म्याऊ बोलते हुए बिल्ली चेतावनी दे रही थी। ओहो, ये तुम डर गए? बिल्कुल नहीं, मैंने वहां पड़ा हुआ एक पैड उठाया, उसने भी अपने नुकीले नाखून निकाले। ये, ये, ये। मैंने भी उसे पैड दिखाया, उसने नुकीले पंजे दिखाए। मैं आगे बढ़ा, वो भी आगे बढ़ी, मैंने उससे डराने के लिए बैट उठाया, उसने भी वार करने के लिए पंजा उठाया। तो उसने पंजा मारा? नहीं, मैंने छक्का मारा, मतलब मैंने छक्का मारने का एक्शन किया और वो भाग गई, लेकिन वो बहुत डर गई थी और खिड़की के बाहर भाग गई। भिड़े भाई मुझे नहीं लगता कि वो बिल्ली वापस आएगी। हाँ चलो बोला टेली, तुमने अच्छा काम किया अब्दुल। ए, लेकिन वो बिल्ली जाने के बाद तुमने खिड़की बंद की थी ना ठीक से? चल चेक करते। अरे भिड़े भाई, भिड़े भाई, मैंने अपने हाथों से खिड़की बंद की थी। हाँ लेकिन पूरी रात बिल्ली अंदर थी ना, तो हो सकता है कुछ नुकसान किया हो, वो जाके चेक करना पड़ेगा ना मुझे। अरे 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 भिड़े भाई मैंने सब चेक किया है, उसने कुछ नुकसान नहीं किया। फिर भी आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप जाके देख सकते। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने चेक कर लिया है ना? हाँ। कोई बात नहीं। भिड़े भाई टेंशन छोड़ो, खुशियां मनाओ, बिल्ली सोसाइटी से भाग चुकी है। बात बात बात, अब्दुल तुमने बिल्ली को भगा के ना मेरा बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया है बाबा। हाँ। अभी पोपटलाल को फोन करके बोलता हूँ कि सोसाइटी से बिल्ली चली गई है। अरे मैं क्यों फोन लगाऊं, मैं कोई पोस्टमैन थोड़ी हूँ जो सबको पर्सनली खबर बांटता फिरूं। नोटिस बोर्ड पे लिखता हूँ, सबको पता चल जाएगा। महत्वपूर्ण सूचना, सोसाइटी से बिल्ली भाग चुकी है, अब किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अहो, हाँ वहां क्या कर रहे हैं आप? खुशखबरी लिख रहा हूँ माधवी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? बताता हूँ। अरे माधवी, सोसाइटी से बिल्ली भाग गई है, इस अब्दुल ने भगाया बिल्ली को। अरे वाह, क्या सांगता है? वाह वाह अब्दुल भाई, छान केलं।
वैसे भी उसकी वजह से कितने झगड़े हो रहे थे सोसाइटी में। अच्छा मीका मिंटे, शर्मा जी का फोन आया था, वो आपको कब से फोन कर रहे हैं? आपका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद है मेरा? अरे हाँ, मेरा फोन तो बंद है। आप जल्दी से ऊपर आइए, वो वापस फोन करने वाले। हाँ हाँ, अभी आता हूँ। अब्दुल, थैंक यू वेरी मच भाई, तुमने बिल्ली को भगा के मेरे सर से बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया और मुझे इस्तीफा देने से बचा लिया। हाँ चलो मिलते हैं। ओके ओके। कल अगर बुढ़े भाई को सच का पता चलेगा तो टप्पू सेना के साथ मैं भी फंसूंगा। या अल्लाह, हम एक बेजुबान जानवर की मदद कर रहे हैं, आप हमारी मदद करना। आला जल्दी से। आया फोन वापस। हाँ बोलिए शर्मा जी। सॉरी, वो मेरा फोन जरा स्विच ऑफ हो गया है। बोलिए। हाँ हाँ, कितना? हाँ हाँ, हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। अरे थैंक यू क्या इसमें शर्मा जी, आप इतने साल से हमसे अचार पापड़ खरीद रहे हैं, आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हो जाएगा हो जाएगा। ओके ओके शर्मा जी, थैंक यू, बाय बाय। शर्मा जी ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया अचार पापड़ का। अरे वाह, काय संता है, जान जान। हाँ लेकिन इस बार डिलीवरी उनके मुंबई वाले घर पे नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो पुणे शिफ्ट हो गए, तो डिलीवरी पुणे करनी पड़ेगी, मतलब कुरियर करना पड़ेगा। तो कुरियर का पैसा अपने खाता का? नहीं 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 नहीं, उन्होंने बोला वो पैसा दे देंगे कुरियर का। वो ठीक है, लेकिन माधवी ऑर्डर बहुत बड़ा है, तो कम से कम हमें इतना बड़ा बॉक्स चाहिए होगा। जरा देखो तो अपने पास है कि नहीं। बापरे, मुश्किल लग रहा है इतना बड़ा, देखती हूँ फिर भी देखती हूँ। देखो देखो, वाह बहुत दिनों बाद बड़ा ऑर्डर मिला। गुड मॉर्निंग बाबा। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। और कैसे लगे तुम्हारे खिलौने पॉम-पॉम को? आपको पॉम-पॉम के बारे में कैसे पता चला? अभी तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई सोनू, तुमने मुझे बताया ना कल। हाँ हाँ, सॉरी वो मैं भूल गई थी, उसको खिलौने बहुत अच्छे लगे, मतलब खिलौने देखते ही बहुत खुश हुई वो। वो लड़का है ना? आ, हुआ हुआ, खुश हुआ। लेकिन उसे याद से बोल देना कि जरा संभाल के खेले खिलौने से, तोड़े नहीं, और जैसे खेलना हो जाए तुम्हें वापस दे दे। क्या है, मैंने बहुत संभाल के रखे तुम्हारे खिलौने। हाँ डोंट वरी बाबा, मैंने ऑलरेडी उसे बोल दिया है। गुड गुड, वेरी गुड। आहो, इतना बड़ा बॉक्स नहीं है अपने पास। अरे माधवी, तो इतना बड़ा ऑर्डर कुरियर करेंगे किसमें? लेकिन कहीं से तो बॉक्स लेकर आना पड़ेगा ही ना। कहाँ से लाएंगे? ये तो खाली बॉक्स है। और नहीं तो क्या भीड़ अंकल। मतलब ये सब तुमने किया? हाँ, और नहीं तो क्या। ये लाइट का बंद चालू होना और ये आवाज का तुम्हें समझ गया, लेकिन ये बॉक्स को कैसे हिलाया तुमने? मैजिक है, बॉक्स है। कहाँ? क्लब हाउस में। क्लब हाउस में? हाँ, टप्पू ने मेरे साथ मस्करी की थी ना, वो बॉक्स को लेकर, जो बॉक्स है ना वहाँ पे क्लब हाउस में, वही बॉक्स की बात कर रहा हूँ, वही बॉक्स लेकर आता हूँ। अच्छा है, ना रहेगा बॉक्स, ना रहेगी उसकी जादूगरी। मैं अभी वही बॉक्स लेके आता हूँ। एक मिनट बाबा, आप वो बॉक्स लेने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स बहुत पुराना है, मतलब इतने पुराने बॉक्स में अगर हम डिलीवरी करेंगे तो हमारा क्या इंप्रेशन पड़ेगा, इसलिए वो बॉक्स जाने दो। सोनू बाड़ा, हमारी जो इंप्रेशन है ना वो आचार पापड़ से बनती है, बॉक्स से नहीं। और मैंने देखा है वो बॉक्स, इतना भी पुराना नहीं है। अभी नया बॉक्स लेने जाऊंगा तो उसका खर्चा होगा, सखारा पे जाऊंगा तो पेट्रोल का खर्चा होगा। कोणी सांगितलं एवढं सगळं करायला, मैं वही बॉक्स लेके आता हूं। दोस्तों, इंसान की किस्मत हमेशा उसके आगे चलती है, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। आप लाख कोशिश कर लें, वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा। अब देखिए ना, अब्दुल ने भिड़े को किसी तरह से यकीन दिला दिया कि उसने बिल्ली को भगा दिया है, लेकिन भिड़े ने एकदम यू टर्न ले लिया और भिड़े का रुख अब क्लब हाउस की ओर। अब क्या होगा अगर भिड़े ने उस बिल्ली को देख लिया तो? एक खाली बॉक्स की तलाश में आए भिड़े को अगर पॉम-पॉम नजर आ गई तो आप सोचिए, भिड़े नाम के इस तूफान के चक्कर में पॉम-पॉम आने वाली है, तो अब क्या होगा आगे? अब तो आपको तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ मित्रों, उसके पहले एक विशेष बात। दोस्तों, आपके प्यार और सम्मान की वजह से आज असित कुमार मोदी जी के बनाए हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3400 यानी 3400 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बधाई देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद और आपका स्नेह
सदैव यूं ही बना रहे हैं। और यहाँ पॉम पॉम क्या क्या गुल खिलाती है, कितने हंगामे होते हैं, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.